असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की पूरी बातचीत आपने सुनी। ऑडियो टेप का ये पहला हिस्सा है जिसमें एक तरफ से असद पैसा मांग रहा है, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्लिम कह रहा है कि उसे उसके भाई मोहम्मद भाई उमर से जेल में मिलने के लिए कह रहा है। मांग रहा था असद पैसा, लेकिन मोहम्मद मुस्लिम पैसे देने से इनकार कर रहा था। फिर असद पहुंचता है मोहम्मद मुस्लिम के घर, वहां पर फ्लैट का दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद फिर से धमकी देता है असद उसे फोन करके, वो ऑडियो का दूसरा हिस्सा है। और आखिरकार दबाव में आकर 80 लाख रुपए मोहम्मद मुस्लिम दे ही देता है, जिसके बाद से रची जाती है हत्याकांड की एक ऐसी साजिश जिसका वीडियो देखकर पूरा देश खौफ में आ गया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असद बोल। हाँ हाँ, नंबर अभी मिला हमको जो है। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। नहीं, हम है नहीं ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ हाँ, हम निकले करीब एक घंटे से, डेढ़ घंटे हो गए हमको। कब आए थे तुम? अभी आए थे थोड़ी देर पहले। इमरान साहब आपके यहाँ बैठे हैं? नहीं, इमरान आए थे और उनका कोई मसला था, तो उसी सिलसिले में उनकी गाड़ी खड़ी है, वो भी किसी के साथ गए हैं, तो हम निकले हैं करीब डेढ़ घंटे से। हाँ, तो हम आ जाए आपके पास, मुलाकात अभी होगी आपसे। अब अभी थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा है वकील के यहाँ अभी, एक थोड़ा सा कुछ मसला है। हाँ, तो कब आ जाए आपके यहाँ? तो अभी हम खाली होकर फोन करते हैं। कहाँ हो तुम अभी? हम तो वापस आ रहे हैं आपके, उससे बहुत देर से खा लेते। नहीं तो हमको एक आध घंटा डेढ़ घंटा लगेगा, हम खाली फोन करते हैं, नहीं तो फिर कल रखेंगे। हाँ, देर हो जाएगी तो। कितने बजे? अगर एक आध डेढ़ घंटे हम खाली हो जाएंगे तो हम फोन कर देंगे, नहीं तो कल रखा जाएगा, कल संडे है। हम अच्छा जो है वो ये कह रहे थे हम। हाँ। कि इमरान साहब अंदर नहीं है, इमरान साहब की गाड़ी सिर्फ खड़ी है। नहीं, इमरान नहीं अंदर, इमरान नहीं है। अच्छा, वो इमरान तो जो है रोजाना आते हैं, चार चार घंटा बैठते हैं। नहीं, आज 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 उनकी गाड़ी खड़ी है, कोई काम से आए तो फिर निकल गए किसी के साथ। अच्छा, वो हमें शायद गलत गाड़ी देख लिया होगा, रोज हम देखते हैं 12:30 तक खड़ी रहती है गाड़ी। नहीं ऐसा नहीं ना, कोई गाड़ी कहीं हो सकता है, किसी से मिलने मिलने आते हो, नहीं कह सकते, आज मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा, वो आपसे मिलने आते ना होंगे, मुस्लिम साहब और किसी से मिलने आते होंगे? नहीं, हमसे मिलने का वो तो फोन पे बातचीत, तो आदमी कोई काम रहता है तो आदमी होते ही है, तो हम लोग बचपन के दोस्ती भी रही। वो बात तो है, समझ लो, मगर गेट नहीं खोला गया, ये ठीक नहीं है मुस्लिम साहब। हम फिर जो, अरे हम तो यार है नहीं, हम कैसे तुमको बता दें? अगर हम होते तो हम होते तो मुलाकात क्यों नहीं करते? मुलाकात करने में क्या दिक्कत थी हमें? वही तो बात है ना कि आपसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत है नहीं, मगर इमरान साहब है तो आप गेट नहीं। नहीं, इमरान नहीं है भैया, कोई बात माना करो हमारी बात, अगर हम कह रहे हैं तो। हम भी कुछ कह रहे हैं मुस्लिम साहब, अगर इमरान हुई है तो तुमको हम कहा बताएं? जाओ, चले जाओ, देख लो हमारा घर खाली है कि नहीं है। हमारे घर पे कभी कोई हमारे घर पे कोई नहीं आता। वही चौथे फ्लोर पे है ना आपका, ब्लैक ब्लैक करके पूरा दरवाजा है। और हाँ हाँ, उसी पे रहते हैं, उसी पे रहते हैं, गली के एकदम एंड पे। हाँ हाँ, उसी पे रहते हैं। चलिए ठीक है, हम फोन करेंगे, आप नंबर सेव कर लीजिए। बाप की धमकी के बाद ग्राउंड पर बेटा एक्शन में आता है। पहले असद मोहम्मद मुस्लिम को फोन करता है, जब वो फोन नहीं उठाता तो धमकी भरे मैसेज करता है और कहता है कि एक दे दो, एक यानी 1 करोड़ दे दो, पैसे की सख्त जरूरत है, बहुत गलत किया फोन उठाकर। उसके बाद असद लगातार मोहम्मद मुस्लिम को फोन करता है, वो फोन कॉल्स की डिटेल्स और वो ऑडियो टेप आज तक के पास मौजूद है। असद उसमें बकायदा मोहम्मद मुस्लिम को दबाव दब देता है कि वो जेल चले, कोर्ट में चले और उसके भाई उमर से मिले। मोहम्मद मुस्लिम कोर्ट जाने से इनकार कर देता है। उसके बाद असद मोहम्मद मुस्लिम के घर चला जाता है और लगातार फोन पर उसे धमकाता है। आखिरकार मोहम्मद मुस्लिम डरकर 80 लाख रुपए देता है और जैसे ही असद को 80 लाख रुपए मिलते हैं, उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचनी शुरू हो जाती है। आपने देखा कि कैसे अतीक और अशरफ, इन दोनों की तो अब खैर हत्या हो गई है, लेकिन बाप अतीक और बेटा असद वसूली करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दे पाए। लेकिन इधर असद का भी एनकाउंटर हो गया है, उधर अतीक और अशरफ ये दोनों भी मारे जा चुके हैं। अब पुलिस को ये पता लगाना है कि कौन है इनके पीछे। तो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कौन है वो तीन मोहरे, इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं
तीनों शूटरों के पास से कौन कौन से विदेशी हथियार मिले हैं। हथियार नंबर एक, 9mm गिरसान पिस्टल मेड इन तुर्की। हथियार नंबर दो, 9mm जिगाना पिस्टल मेड इन तुर्की। हथियार नंबर तीन, मेड इन इंडिया पिस्टल। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के तीनों शूटरों की जब क्राइम वाली कुंडली खुली तो पता चला कि साजिश बहुत गहरी थी। तीनों हमलावरों का पूरा सच क्या है? तीनों शूटरों का आका आखिर कौन है? क्या हत्याकांड के पीछे कोई बड़ा गैंग है? लवलेश, अरुण, सनी किस गैंग के मेंबर हैं? फेमस होने की सनक या सुपारी किलिंग? शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्याकांड में फुल प्रूफ प्लानिंग रची गई। टारगेट यानी अतीक और अशरफ किसी कीमत पर जिंदा ना बचे, इसकी प्लानिंग पूरी थी। एक शूटर का गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन, भारत में बैन मेड इन तुर्की पिस्टल का इस्तेमाल, फेमस होने के लिए डबल मर्डर को अंजाम दिया। हत्या से 24 घंटे पहले प्रयागराज पहुंचे थे, मीडिया कर्मी के वेश में हत्या को अंजाम दिया। शूटर लवलेश तिवारी ने पहली गोली चलाई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक को गोली मारी गई। अतीक को मारने वाले तीनों शूटर फुल ट्रेंड है। अतीक और अशरफ पर हमला करने वाले जो अटैकर्स थे वो पत्रकार बनकर आए थे। ये देखिए बाकायदा जो ये कैमरा है और ये माइक है वो फॉरेंसिक की टीम ने, पुलिस ने इसको अपने कब्जे में लिया है, जिसमें एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर ये देखिए तो जो बाकायदा यहाँ पर गोली चली है इसको अब जीरो किया गया, यहाँ जहाँ जहाँ कारतूस मिला है उसको जीरो इन किया। उसके अलावा जो अटैकर्स थे वो ये जो तीन बाइक है, यही माना जा रहा है ये तीन बाइक जिसको राउंड अप किया है पुलिस ने, इस तीन बाइक से थे। उसके अलावा अगर ये चौक से देखेंगे, सफेद चौक से ये जो बकायदा निशान बने हैं, ये माना जा रहा है कि जो कारतूस हैं वो यहाँ पर पड़े हुए थे। आज तीनों आरोपियों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। जल्द ही आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी ताकि ये सच दुनिया के सामने आ सके।